Tvameva kevalam hartasi Tvameva sarvam khalvidam brahma. श्री सत्य साई सेवा केंद्र ने एक एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया है सत्य साई साहब जीवन पर, उनके जीवन के मूल्य पर और उनकी जो 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 सीख उन्होंने मानवता को दी वो हमेशा के लिए उसकी उसकी अमूल्य है सबके जीवन के को आगे सुधारने के लिए. और ऐसी जो एग्जीबिशन को देख कर जो युवा पीढ़ी है वो बहुत कुछ सीख सकता है. आज भी ये जो सेवा केंद्र है ये मानवता के लिए काम कर रहा है जिस तरह से सत्य साई बाबा ने इनको दिशा दी थी. चले उस गुरु को प्रणाम करने जिसकी कृपा से पूरी दुनिया चलती है. Thank you.
born with a very swollen neck. He had a very swollen neck here. So examination mein pata chala ki usko Hodgkin lymphoma hai, which is a blood cancer. And then Bhagwan ke blessing se we took him through all the chemo process which were required to treat this Hodgkin of his. And the last PET scan which we did around one and a half months back, that has cleared him of any cancer cell as of now. And Bhagwan also blessed him during this period of 1 year with a job also in an MNC where he worked as a trainee operator in an MNC company. And that is how. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा था ये एक्सपीरियंस एक साल डेढ़ साल जब टीम का प्रोसेस था? एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा ही है, मतलब उस टाइम जब कीमोथेरेपी चलता है तो अपने आप से अंदर से टूट ही जाता हूँ, ऊपर से बाबा इतना हौसला संभाला, बाबा ही संभाला वैसे जस्ट जब मैं मेरा फर्स्ट या सेकंड कीमो चल रहा था तब बाबा एक दिन सपने में आया था मेरे सर, तब सेकंड साइकिल कीमो चल रहा था तब बाबा एक दिन मेरे सपने में आया, तो उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया था, तो उसी दर्द की वजह से मैं पूरा रात सो ही नहीं था, जब मम्मी बाहर लेती थी तो मैं चलने लग गया बेड के ऊपर उठ के, तो ऐसे ही दरवाज़ा खोल के मैं अंदर सोया, फिर जस्ट आँख मेरा बंद था लेकिन अंदर से सोया नहीं था, दर्द हो गया था, फिर उसी टाइम बाबा यू नो ड्रेस पे आया बाबा, फिर मुझे बोला कि फिक्र ना कर जल्दी ठीक हो जाएगा और अभी तुझे रात को बढ़िया मस्त नींद आएगा, यही बोला था बाबा। उसके बाद में नेक्स्ट आफ्टरनून एक डेढ़ बजे फिर ये सो के उठा था, एंड अ लॉन्ग स्लीप आफ्टर दैट। साइड ये शुभजीत है, बेबी 6 years का, इसका हार्ट कंडीशन था और अभी रिसेंटली इसको ऑपरेट किया है, और इट ऑल्सो हैपेंड जब जैसे सर्जरी डे था इसका, इट वॉज अ ट्यूजडे, और जब थर्सडे को हमने इसका स्टेटस चेक किया था तो ही वॉज रनिंग अराउंड इन साइड द ICU, सो दिस इज इवन डॉक्टर्स वर सरप्राइज कि ये मिरेकली हो सकता है कि ट्यूजडे को ओपन हार्ट सर्जरी करा के बच्चा थर्सडे को ही वॉज रनिंग अराउंड इन द ICU, और वहाँ का सारा नर्सिंग स्टाफ का ये डार्लिंग था, अभी हेल एंड हार्टी नाम। शुभजीत साइरम बोलो, साइरम।